मोदी और गांधी जी वाली बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी का शासनकाल है, इसमें जो वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव्स में कुछ परिवर्तन आया है जो गांधी जी के समय में था, क्या ये सकारात्मक परिवर्तन है या कुछ इस पे अंकुश लगा है कि जो चल रहा था कि ठीक है वेस्टर्न मीडिया हमारा जो नैरेटिव्स था अब उस पे मोदी के शासन में कुछ अंतर पड़ा है? नहीं, देखिए वेस्टर्न मीडिया का जो नैरेटिव था वैसा का वैसा ही है। उदाहरण के लिए मैंने उदाहरण इसमें कई जी दिए और इस किताब के अंदर 300 से ज़्यादा प्राइमरी सोर्सेस से साइटेशंस हैं, यानी शोध किया है। आपने पहले प्रश्न में पूछा था कितना समय लगा, 2.5-3 साल लगे इसको लिखने में मुझे जी किताब को, क्योंकि इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ा, मुझे निकालने पड़े संदर्भ, निकालने पड़े। और उन संदर्भों की चर्चा करें, आपने गांधी के और मोदी की बात की, एक किस्सा आपको बताता हूँ। 1947 अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ, जी अचानक से दिसंबर, 9 दिसंबर को अंग्रेजी अखबारों में एक खबर प्रकाशित हुई, और वो खबर प्रकाशित होती है कि गांधी और पटेल थक गए हैं इसलिए आराम करने के लिए जाना चाहते हैं पिलानी। जी अगस्त से दिसंबर में कितना दिन है? 3-4 महीने का गैप है। जी भारत जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, सरदार पटेल लगे हुए हैं राज्यों के एकीकरण में, गांधी लगे हुए हैं दंगों की आग बुझाने के अंदर। वो आराम करने जाएंगे ये प्रश्न ही नहीं उठता है। और गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो भाषण दिया 9 जी दिसंबर को, उसमें कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं मेरे बारे में। और उस समाचार में ये भी लिखा पंकज कि उनके जाने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं पिलानी के अंदर, जयपुर से सामान आ रहा है, इस कारण जयपुर के अंदर कई चीजों की किल्लत पैदा हो गई। जी अब ये समाचार क्यों दिया गया? ये बताने के लिए भारत के दो बड़े नेता सरदार पटेल और महात्मा गांधी कि भाई ये आराम तलब लोग हैं, उनके बारे में एक इमेज पेश करने की कोशिश की गई। तो वो इमेज उस समय पेश करने की कोशिश की गई। जी आज अगर आप देखेंगे मोदी को, क्या इमेज करने की कोशिश हो रही है? चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे कोविड का समय हो, पहले कि भारत कोविड का सामना ही नहीं कर पाएगा, फिर यूक्रेन के समय हम रूस से तेल क्यों ले रहे हैं? प्रकरण बदल जाएंगे, जी घटनाएं बदल जाएंगी, वृतांत बदल जाएंगे, लेकिन नैरेटिव वही चलेगा कि भारत के नेता शासन करने योग्य नहीं है। और ये मैं इसमें संदर्भ एक देना चाहता हूं, ये थॉट जो है चर्चिलियन थॉट है भारत के बारे में। जी 1930 में चर्चिल ने एक भाषण दिया था जब भारत में पहला गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, किताब में मैंने इसको उद्धृत किया है, और उस भाषण का शीर्षक है अवर ड्यूटी इन इंडिया। अरे भाई, तुमको ड्यूटी देने का किसने ठेका दे दिया भारत के बारे में? और उसमें वो लिखते हैं कि भारत से अगर अंग्रेज वापस चले गए कुछ अफसर, तो भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। भारत में जो भी कुछ हुआ है वो अंग्रेजों के कारण हुआ है। आज भी वही वर्तमान चलता है। आज भी भाई, आज मोदी अपनी बात को असर्टिव रूप से कहते हैं तो उनके खिलाफ वो क्या अधिनायकवादी हैं, वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। अरे भाई, हम 1947 में आजाद हुए, 1950 में हमने सबको सार्वभौम मताधिकार दिया, तब तक कई पश्चिमी यूरोप देशों में सार्वभौम मताधिकार नहीं था। आपने पहले दिन से कहना शुरू किया कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, भारत टूट जाएगा। फिर वही आप बात कर रहे हैं, बात वही है। जी